दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली खबर ब्राजील से निकलकर सामने आ रही है। ब्राजील और भारत के बीच में पिछले कई सालों से लगातार रिश्ते मजबूत होते चले जा रहे हैं। जहां ब्राजील भारत का एक मित्र देश है तो वहीं ब्रिक्स में सहयोगी देश भी है। इसके अलावा यूएन में परमानेंट सीट को लेकर भी ब्राजील भारत के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हाल ही में ब्राजील की वायुसेना के कमांडर ब्रिगेडियर मार्सलो कनेट्स डेमास सेनो ने भारतीय मीडिया से बातचीत की और ये संकेत दिया कि ब्राजील भारत के साथ तेजस फाइटर जेट को अपने पुराने नॉर्थरोप F-5 विमान के विकल्प के रूप में देख सकता है। F-5 विमान 2030 के बाद सेवा से बाहर होने वाला है और ब्राजील को उसके बाद एक नया फाइटर जेट चाहिए होगा। फिलहाल ब्राजील की वायुसेना F-5 और ग्रिपन ई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जैसे जैसे F-5 का सेवा समय खत्म हो रहा है, ब्राजील को अपनी ऑपरेशनल क्षमता बनाए रखने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। डेमासेनो ने कहा कि जैसे जैसे F-5 विमान सेवा से बाहर होंगे, हमें शायद दो और प्रकार के फाइटर जेट्स की जरूरत होगी। ग्रिपन रहेगा लेकिन तेजस हमारे दूसरे या तीसरे फाइटर प्लेन के रूप में एक विकल्प है। ये बयान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत के तेजस Mk1A और भविष्य के तेजस Mk2 को ब्राजील के अगले जनरेशन के फाइटर जेट के तौर पर देखा जा रहा है। जब तक ब्राजील अपने F-5 विमानों को रिटायर करेगा तब तक दोनों वेरिएंट्स प्रोडक्शन में रहेंगे, जिससे ये समय पर उपलब्ध हो सकते हैं। तेजस Mk1A इस समय प्रोडक्शन में है और 2032-33 तक सक्रिय रहेगा। तब तक भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भी तेजस Mk2 का प्रोडक्शन शुरू कर देगी, जो और भी ज्यादा पावरफुल और सक्षम होगा। तेजस Mk2 का अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 17.5 टन है, जो इसे तेजस Mk1A से ज्यादा ताकतवर बनाता है। तुलना करें तो ब्राजील का F-5 विमान जो 1970 के दशक से सेवा में है, उसका MTOW लगभग 11 टन है, जबकि तेजस Mk1A का MTOW यानी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13.5 टन है, जो F-5 से काफी बेहतर है। वहीं ब्राजील का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट ग्रिपन ई का MTOW 16.5 टन है, जो तेजस Mk1 और तेजस Mk2 के बीच आता है। इसके अलावा ब्राजील भारत के हथियारों को भी खरीदने में रुचि दिखा रहा है और ये डील कुछ हद तक बाटर सिस्टम पर आधारित हो सकती है, जहां ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए बोली लगा सकती है। वहीं पर इसके बदले में बाटर सिस्टम के थ्रू ही ब्राजील भारत के डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश उसको खरीद सकता है और इसको लेकर भी पहले ही ब्राजील की तरफ से इंटरेस्ट शो किया जा चुका है। वहीं ब्राजील के लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर क्योंकि इस समय भारत के दौरे पर है, इस दौरान उन्होंने भारत के तेजस फाइटर जेट और लाइट यूटिलिटी और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा। आपको बता दें कि 24 हेलीकॉप्टर की नीड भी ब्राजील को है, इसीलिए HAL का ये हेलीकॉप्टर अच्छी खासी दावेदारी पेश कर रहा है। जिस तरह से ब्राजील की टीम भारत का लगातार दौरा कर रही है, उससे पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही कोई बड़ी डील भारत और ब्राजील के बीच साइन हो सकती है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से एक प्रस्ताव पेश किया गया था अमेरिका की तरफ से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट को लेकर। वहीं पर अब एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और ये भारत जापान जर्मनी की जो मुहिम यूएन में परमानेंट सदस्यता की है उस पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। दरअसल अब एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने के लिए अपना समर्थन फिर से दोहराया और साथ ही ये भी कहा कि अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने हाल ही में कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए टेक्स्ट आधारित बातचीत का समर्थन करता है। इसका मतलब है कि अब अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है, ताकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस पर वोटिंग कराई जा सके और आखिरकार यूएन चार्टर में बदलाव हो। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि वह भारत, जापान और जर्मनी को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने के पक्ष में है। अब तक कुछ देशों का एक छोटा समूह इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोकता आया है, क्योंकि वह बातचीत के लिए एक लिखित दस्तावेज यानी नेगोशिएटिंग टेक्स्ट अपनाने के खिलाफ थे। बिना इस दस्तावेज के 2009 से ये प्रक्रिया हर
साल वहीं अटक जाती है जहां से शुरू होती है। भारत और कुछ दूसरे देश लंबे समय से इस दस्तावेज को अपनाने की मांग कर रहे हैं और अब अमेरिका का समर्थन मिलने से इस प्रक्रिया को एक और नई ताकत मिली है। अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि उम्मीद है कि थॉमस ग्रीनफील्ड की इस घोषणा से इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और बातचीत जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। हालांकि कल रोटेटिंग सीट को लेकर खबर सामने आई थी कि दो सीट अफ्रीका के लिए होगी और एक रोटेटिंग सीट होगी, लेकिन अब अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि हम भारत, जापान और जर्मनी की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। एक बात और साफ है कि पांचों स्थायी सदस्य देशों में एक अमेरिका ही ऐसा देश दिखाई देता है जो यूनाइटेड नेशन में चेंज को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अमेरिका के अलावा बाकी सभी देशों ने इस समय चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में अगर अमेरिका भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने में सफल होता है तो भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे और अमेरिका अब पूरी कोशिश में लग भी चुका है। हालांकि भारत, जापान और जर्मनी के अलावा स्थायी सदस्यता के लिए एक और देश उम्मीदवार है और वह ब्राजील है, लेकिन अमेरिका ने ब्राजील का नाम नहीं लिया और न ही इसको लेकर अपना समर्थन जताया है। लेकिन अमेरिका सब कुछ सीधे सीधे करे ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका ने स्थायी सदस्यता का समर्थन तो किया, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो नए स्थायी सदस्य होंगे उनको वीटो पावर नहीं दी जाएगी, यानी कि वीटो पावर का समर्थन अमेरिका ने नहीं दिया। हालांकि देखा जाए तो इस चीज को लेकर भारत समेत सभी देश जो यूएन में परमानेंट सीट चाहते हैं उन्होंने भी कहा है कि शुरुआत में वीटो पावर भले ही हमसे दूर रखा जाए लेकिन कुछ समय बाद उसे दे दिया जाए, तो उसमें फिलहाल किसी भी देश को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि शुरुआत में अगर स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो धीरे धीरे वीटो पावर भी मिल ही जाएगी। अब दोस्तों यूं तो पूरी दुनिया यूएन में बदलाव को लेकर एकजुट दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जो यूएन में परमानेंट सदस्यता को लेकर विरोध कर रहे हैं और ये 12 देशों का एक पूरा समूह है जिसको यूएफसी नाम दिया गया है, यानी यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जिसको पाकिस्तान और इटली जैसे देश लीड कर रहे हैं। ये देश स्थायी सदस्य को जोड़ने का विरोध कर रहे हैं और बिना सहमति के टेक्स्ट आधारित बातचीत शुरू करने के खिलाफ है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस बार यूनाइटेड नेशन के 79th सेशन में चेंजेस को लेकर मुहर लग पाएगी या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर भी ब्राजील से निकलकर सामने आ रही है और ब्राजील भारत के साथ न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन चाहता है। आप बकायदा स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि भारत आने वाले 10 सालों में लाखों करोड़ रुपए सबमरीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाया है और सबमरीन का एक बड़ा बेड़ा तैयार करने का प्लान तैयार किया है। भारत अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक सबमरीन, जो कि AIP तकनीक, साथ ही न्यूक्लियर सबमरीन हो, उस पर काम तेजी से शुरू कर चुका है। वहीं भारत सबमरीन के क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहा है। ऐसे में ब्राजील चाहता है कि भारत के साथ मिलकर इस न्यूक्लियर सबमरीन के क्षेत्र में काम किया जाए और अपनी समुद्री ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। अब क्या भारत को न्यूक्लियर सबमरीन के क्षेत्र में ब्राजील के साथ यह कोलैबोरेशन करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में और यूएन से निकलकर आई खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।